नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लाखों लोगों का 400 करोड़ रुपए से ज्यादा डकारने वाला संजय भाटी भले ही सेटिंग गेटिंग का खेल खेल कर जेल चला गया हो, लेकिन जिन लोगों ने बाइक बोट के नाम पर अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी वो आज भी सड़क पर है। 87 दिन हो गए उन्हें दादरी स्थित कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा। जंतर मंतर और दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद अब निवेशक कल यानी कि मंगलवार 27 अगस्त को एक बार फिर से हुंकार भरने के लिए बाइक बोट कार्यालय पर जमा होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में निवेशक आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दराज के राज्यों से भी कल कार्यालय पहुंचेंगे। मैं सुभाष भोजी, बाइक बोट ऑफिस दादरी धरने से बोल रहा हूं और ये धरना 1 जून से चल रहा है। आज 84 दिन इस धरने को चलते चलते हो। मैं अपने पीड़ित सभी बाइक बोट के परिवार से बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख से लेके आज तक भाटी या भाटी का गैंग कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी करता रहता है कि जिससे ये धरना उठ जाए, धरना ख़त्म हो जाए और ये बाइक बोट से जो पीड़ित लोग हैं ये अपना पैसा भूल जाएँ। बाइक बोट के मामले में अब तक 65 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और करीब 10,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन बाइक बोट के मालिक संजय भाटी समेत उसके अन्य गुर्गों के खिलाफ भी दर्ज हो चुकी हैं। बाइक बोट के नाम पर संजय भाटी ने एक ऐसी स्कीम चलाई थी जिसे सुनकर उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस तरह से झांसा दिया गया उससे लाखों लोग फंसते चले गए। सभी ने अपनी मेहनत की कमाई बाइक बोट में लगा दी। संजय भाटी का ये गोरख धंधा इस तरह से चला कि देखते देखते ही आसपास के जिले ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग इसमें फंसते चले गए। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि जिन लोगों ने अपने नजदीकियों का पैसा लगवाया उन्हें संजय भाटी ने ना सिर्फ लीडर बना दिया था बल्कि उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी नवाज दिया था। इसका असर ये हुआ कि बड़ी संख्या में और भी लोग फंसते चले गए और इस तरह ये घोटाला 400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। और मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाली 27 तारीख को आप सब आके एक संगठन बना के और एक जन समूह यहां पैदा करके आप ये बता दो उनको, भाटी को बता दो, शासन को बता दो, प्रशासन को बता दो जो हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है कि हमें कितनी बड़ी तकलीफ है। हालांकि उसके घोटालेबाज गैंग के बाकी घोटालेबाज अभी भी खुली हवा में ना सिर्फ सांस ले रहे हैं बल्कि लोगों का पैसा भी उड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि संजय भाटी ने आत्मसमर्पण से पूर्व जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो जेल में है और बाहर उसका परिवार और इस घोटाले में शामिल बाकी लोग उस पैसे का मजा लूट रहे हैं। संजय को उम्मीद थी कि आत्मसमर्पण के बाद निवेशक इधर उधर सिर पटक कर शांत बैठ जाएंगे, लेकिन लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। संजय भाटी की गिरफ्तारी के बाद आज 87 दिन हो चुके हैं। बाइक बोट कार्यालय पर अभी भी निवेशकों का धरना जारी है। इस धरने प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए धरना स्थल का बिजली और पानी काट दिया गया, लेकिन धरना जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि 27 अगस्त को वो लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। 87 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि आखिर उनकी मेहनत की कमाई का पैसा उनको वापस मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। लेकिन उसकी जो नाकाम कोशिश है हम उसे उसकी नाकाम कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे और ये अपनी मर्यादाओं की हद पार कर गया। सबसे जो आखिरी इसने जुल्म किया हमारे ऊपर 1 तारीख से करते आ रहा है, इसने हमारा बिजली बंद करवा दिया, हमारा पानी बंद करवा दिया। और मैं भाटी को ये बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे बिजली पानी बंद करने से धरना ख़त्म नहीं होगा। अगर धरना ख़त्म चाहता है तो जितना भी हमारा पीड़ित परिवार है उनके पैसे देने शुरू कर दे, उनका पैसा वापस कर दे तो ये धरना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारा बिजली हमारा पानी ख़त्म करने से हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। कल उनकी मांग यही रहेगी कि जिलाधिकारी स्वयं उनका ज्ञापन लेने आए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कुछ और कदम उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे इस मुद्दे से जुड़ी और भी अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।